स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. बस 10 सेकंड का रेस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. नेक्स्ट एक्सरसाइज. और इसे बहुत ही स्लो करना है. वन बाय वन, एक एक लेग को आगे करते हुए आपके नेक को पीछे करना है. और ये नेक की एक्सरसाइज है. इसमें हमारे टमी मतलब बैली में भी प्रेशर पड़ता है और उसके साथ ही साथ नेक पे. तो ये एक्सरसाइज थायराइड के लिए भी बहुत अच्छी है. इस एक्सरसाइज को भी मैंने कम से कम 7 to 10 times किया. उसके बाद हर एक्सरसाइज के बाद कम से कम 10 seconds का ब्रेक लेना है और उसके बाद मैं न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ये एक्सरसाइज में बैलेंसिंग थी आपके हाथ का, आपके पैरों का. तो बस इस एक्सरसाइज को मैंने बहुत दिन बाद ट्राई किया
और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हैंड और लेग मूवमेंट कैसे हैं, उसके साथ आप कैसे बैलेंस करते हैं इसके बीच में। तो इस एक्सरसाइज को भी मैंने 7 to 8 बार ट्राई किया। ये सिंगल एक्सरसाइज भी बहुत इफ़ेक्टिव है बेली फैट के लिए। अगर इसे दिन में रेगुलर 100 टाइम्स भी करते हैं 1 मंथ के लिए, तो भी बेली फैट बहुत कम होने वाला है। तो बस इसे मैं ट्राई कर लेती हूँ कि कम से कम मैं 40-50 टाइम्स कर लूँ, मतलब कम से कम मैं 2 सेट कर लूँ, और ये बहुत जल्दी इससे रिज़ल्ट भी आता है। तो इस एक्सरसाइज को मैं स्किप नहीं करती, मैं हमेशा इस एक्सरसाइज को हर दिन रेगुलर इसे करती हूँ। और उसके बाद है सेकेंड एक्सरसाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है ये नेक के लिए है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने एक्सरसाइज थायराइड के लिए और नेक के लिए की, और उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया। तो इस एक्सरसाइज से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है अगर रेगुलर हम करते हैं तो। तो बस फिर मैंने इसी को किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ गुड। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो एक्सरसाइज थी वो 50 मिनट्स की एक्सरसाइज थी, और आज की एक्सरसाइज बेली फैट के लिए थी। अगर इसे रेगुलर मैं 15 मिनट भी करती हूँ तो डेफिनेटली 1 मंथ में वेट मेरा रिड्यूस होता है और बेली फैट कम होगा ही होगा। इंच में आपको वेट खुद ही खुद दिखने लगता है कि वेट कम हो रहा है। तो बस इसी के साथ, और साथ में मैं 10 से 15 मिनट लास्ट में मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज अपने नेक के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही किया। न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और उसको भी आज 15-16 डेज हो गया, बट हमारी एक्सरसाइज का क्या? यही सोचते हुए मैं रेगुलर उठती हूँ और यही सोचती हूँ आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी, फिर सोचती हूँ एक्सरसाइज करूँगी, बट नहीं। अगर हैबिट फॉर्मेशन चैलेंज लिया है तो इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए और मेरी बॉडी का ध्यान मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, सोच के। और अपने वेट को कम करने के लिए हेलो एवरीवन, आज की मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आज मैंने फुल बॉडी वर्कआउट किया था, उसके साथ ही मैंने कुछ एक्सरसाइज की थी आज नेक के लिए।
और कुछ आज मैंने नई एक्सरसाइज भी ट्राई की जो बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। और आज मैंने एक सेट कंप्लीट कम से कम 25 टाइम्स किया है और उसके साथ ही मेरा 30 मिनट्स का वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो अब मैं चली अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीने के लिए। आज की मेरी मॉर्निंग ड्रिंक है ज़ीरा वाटर, तो मैं यहाँ पे अभी ज़ीरा वाटर पानी और अजवाइन दोनों को बॉयल करूँगी और उसी को पीने वाली हूँ। 66 डेज हैबिट फॉर्मेशन चैलेंज में आज है मेरा डे 33। तो बस कल थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज स्किप कर लिया था, तो आज मैंने स्टार्ट कर लिया। मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। उसके बाद मैंने ले लिया था सूख ड्राई फ्रूट्स एंड सीड। यहाँ मैंने बादाम एंड सीड्स ले लिए रेशंस के साथ। और उसके बाद मैं लग गई अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी में। आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनाना था पोहा। बस यहाँ पे मैंने सब्जियाँ कट कर दी थी, वॉश करनी दी थी, एंड यहाँ पे मैं सॉटे करने लगी प्याज, मटर, करी लीव्स एंड ग्रीन चिली। जैसे ये पक जाते हैं साइड में हम ऐड कर देंगे पोहा। उसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी, नमक एंड लेमन जूस। बस इन सबको अपने कुक वेजिटेबल्स में ऐड करना है और गर्मा गर्म पोहा हो जाते हैं रेडी। तो ये मैंने ऐड कर दिया, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स, जो हर सब्जी में लास्ट में पड़ती है और इसका स्वाद ही बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे मैं सर्व करूँगी दही के साथ। तो ये मेरे पोहा हो गए रेडी। और चलिए मैं इसे सर्व करने के लिए यहाँ पे मैं पोहा ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर दिया दही और इसमें मैं ऐड कर दूंगी और टमाटर प्याज। ये मेरा कलरफुल ब्रेकफास्ट रेडी है। और थोड़ा सा साइड में रख दिया मैंने लेमन, थोड़ा और लेमन ऐड करेंगे और इसे इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए मैं तो चलिए इसे इंजॉय करने, मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय एवरीवन। लंच टाइम पे आज मैंने बना लिया था मिक्स वेज और कुछ अलग नए ट्विस्ट के साथ बनाया था। यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स कट कर दिया था, वॉश कर दिया था और उसे मैंने सॉटे कर दिया था मस्टर्ड ऑयल में। यहाँ पे मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो घर के मसाले होते हैं हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची और सॉल्ट, उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स होने देंगे और इसे कुक होने दूँगी। और साइड में मैंने बना ली थी ग्रेवी। ग्रेवी में मैंने सिर्फ टमाटर प्याज एंड थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर दिया था। जैसे मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है मैंने मिक्स सब्जी में ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया और ये हमारा मिक्स वेजिटेबल बन गया। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही कलरफुल बना था। घर पे जितनी सब्जियां आती हैं मैंने सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी थी, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, मटर, बीन्स, पत्ता गोभी, जो सब्जियाँ थी अब इसमें सारी ऐड कर दिए और मेरे मिक्स वेजिटेबल ऐड बन गई। लास्ट में मैंने ऐड कर दिया कोरिएंडर लीव्स। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जी, उसमें ऐड कर दिया एक रोटी, साथ में सैलेड एंड पापड़ और अचार। ये मेरी लंच की प्लेट रेडी होती है। अब तो हम चले इसे इंजॉय करने के लिए। बहुत ही अच्छा खाना बना था, बहुत ही टेस्टी। रात को हो गया था चीट डे, पापा का बर्थडे था और हम चले गए पापा के यहाँ। ये थे 3 केक बने हुए। यहाँ बच्चा पार्टी पापा का बर्थडे मना रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया और वहाँ बहुत कुछ खाया। तो यही मेरा आज का दिन था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।